हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं अपने 5 फेवरेट माउथ ऑर्गन के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको. आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट माय 5 फेवरेट हारमोनिकस और माउथ ऑर्गन्स. तो मैं इन पांचों माउथ ऑर्गन के बारे में आपको बताऊंगा, इनके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इनके साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा और मैं इनके प्राइसेस के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको इन पांचों माउथ ऑर्गन के बारे में जानकारी हो जाए. और कभी भी आप अगर माउथ ऑर्गन खरीदने जाएँ, इन पांचों में से कोई अगर आप एक खरीदना चाहें, तो आप एक बेटर पोजीशन में रहें, एक आपको जानकारी रहे कौन सी माउथ ऑर्गन आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी माउथ ऑर्गन आपके लिए अच्छी होगी. ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आपको बहुत ही जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो से. तो शुरू करता हूँ मैं अपने पहले फेवरेट माउथ ऑर्गन से. ठीक है, ये है मेरा पहला माउथ ऑर्गन फेवरेट, सुपर 64 हॉनर कंपनी का, मेड इन जर्मनी. ये मुझे गिफ्ट में मिला था जब मैं मास्टर ऑफ लॉ में LLM में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट स्कोर किया था. मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था उसमें, मेरे चाचा जी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही फेवरेट है. ठीक है, तो ये देखिए, ये केस के अंदर ये रखा हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. ये है हॉनर का सुपर 64. ठीक है, तो ये 16 होल्स है, देखिए इसमें स्लाइडर है, क्रोमेटिक हारमोनिका है, स्लाइडर दबाने पर 16 न्यू सेट ऑफ होल्स खुल जाते हैं. ठीक है, यानी कि टोटल 32 होल्स हैं. ठीक है, तो एक कंप्लीट हारमोनिका है. इसमें खास बात यह है कि इसमें 4 ऑक्टेव हैं. वैसे फ्रेंड्स देखिए, बाकी सब माउथ ऑर्गन में जो होता है क्रोमेटिक, उसमें 3 ऑक्टेव होते हैं, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव. इसमें 4 ऑक्टेव है, ताकि आप और वेरिएशन ला सकें अपने बजाने में, गाने में. ठीक है, तो ये इसका एडिशनल ऑक्टेव, ये एडिशनल इसका फीचर है. और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है इसका साउंड, मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ी देर में. बनावट बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छा है, माउथ पीस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्लाइड करता है, ये स्लाइडर बहुत ही स्मूथ है. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा माउथ है. मैं आपको इसका साउंड सुना दूँ थोड़ा सा. ये इसका प्राइस है अराउंड 50,000 अभी मार्केट में. तो ये मैं कभी कभी बजाता हूँ जब मैं कोई फंक्शन में प्रोग्राम या कोई फंक्शन या प्रोग्राम जब मैं जब करने जाता हूँ, तो मैं इसे बजाता हूँ. ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करता, तो किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम में इसे मैं बजाता हूँ. ठीक है, तो ये था हॉनर का 64, मेरा पहला माउथ ऑर्गन, फेवरेट माउथ ऑर्गन, क्योंकि मुझे ये गिफ्ट में मिला था और ये बहुत ही खास है मेरे लिए. ठीक है, अब मैं अपने सेकेंड फेवरेट माउथ ऑर्गन पे आता हूँ, वह है यह सुजुकी सॉन्गस्टार. ठीक है, ये केस में मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. ये है सुजुकी सॉन्गस्टार. इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया होगा, बताया भी है कुछ कुछ वीडियो लेसन में. तो ये है देखिए एम सुजुकी, ये 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है. स्लाइडर दबाने पर 24 न्यू सेट्स ऑफ होल्स खुल जाते हैं, यानी कि टोटल 48 होल्स हैं. बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है. इसकी खास बात यह है कि फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही कम कंपनी है जो कि 24 होल्स के क्रोमेटिक हारमोनिका बनाते हैं. एक तो है टावर कंपनी, चाइनीज़ कंपनी है, वो 24 होल्स का क्रोमेटिक हारमोनिका बनाती है स्लाइडर वाला, और ये सुजुकी है जो कि ये 24 होल्स का क्रोमेटिक हारमोनिका, ठीक है, बनाती है. तो इसीलिए ये खास बात है. बाकी जो क्रोमेटिक हारमोनिका है, या फिर 16 होल्स के होते हैं, या फिर 12 होल्स होते हैं, 10 होल्स होते हैं, लेकिन 24 होल्स का ये सुजुकी और टावर बनाता है. ठीक है, तो सुजुकी ने इसका बंद भी कर दिया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है सी स्केल का, अब सुजुकी नहीं बनाती है. इसीलिए ये और मेरे लिए खास हो गया, क्योंकि अब ये बाज़ार में अवेलेबल नहीं है. इसका साउंड मैं आपको सुनाता हूँ. ठीक है, तो ये भी इसका प्राइस है अराउंड 5,500 के आसपास इसका प्राइस है. एयर टाइटनेस बहुत अच्छा है, स्लाइडर बहुत ही स्मूथ है, देखने में भी बहुत अच्छा क्वालिटी है. कंप्लीट हारमोनिका है, 3 ऑक्टेव है, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव. ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड फेवरेट माउथ ऑर्गन. थर्ड मेरा फेवरेट माउथ ऑर्गन है ये टावर. ठीक है, ये इसलिए फेवरेट है क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने इसी से अपना शुरू किया था, अपना माउथ ऑर्गन का जो मैंने बजाना
मैंने शुरू किया था वह इसी माउथ ऑर्गन से मैंने शुरू किया था। ठीक है, तो ये पहला मेरा क्रोमेटिक हारमोनिका था। ये अभी इसका प्राइस अराउंड 500 to 600 है। बहुत ही सस्ता माउथ ऑर्गन है, चाइनीस मेड है। इसमें भी देखिए 24 होल्स हैं, दबाने पर और 24 होल्स ऑफ न्यू सेट खुल जाते हैं। ठीक है, ये भी कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में ये कंप्लीट हारमोनिका है। 3 ऑक्टेव हैं, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव, यानी कि कोई भी गाना आप इसमें बजा सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज तो उतना अच्छा नहीं है जितना कि हॉनर का है या फिर सुजुकी होता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में 500 रुपये में आपको एक कंप्लीट हारमोनिका मिल रहा है, स्लाइडर वाला मिल रहा है, स्केल चेंजर वाला मिल रहा है, जिससे आप कोई भी गाना बजा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। ठीक है, आपको साउंड सुना दूँ। ठीक है, तो देखिए इसका भी आवाज़ बहुत ही अच्छा है 500 रुपये में। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है और बिगनर्स के लिए ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड। फोर्थ मेरा फेवरेट माउथ ऑर्गन मैं आपको दिखाऊं, वह है ये क्रोमोनिका 270 हॉनर कंपनी का ये। ठीक है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट माउथ ऑर्गन है जो कि मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। ये मैं बहुत दिन से लेना चाहता था लेकिन मैं ले नहीं पाया था, लेकिन अब मैंने इसे ख़रीद लिया है और मेरे जो माउथ ऑर्गन कलेक्शन है ये कलेक्शन में आ गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे लेना चाहता था क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना था और जो बड़े बड़े जो माउथ ऑर्गन प्लेयर हैं वो इसे यूज़ करते हैं, इससे बजाते हैं। मिलन गुप्ता जी इससे बजाते थे, तो इसलिए मुझे बहुत दिन से इसे ख़रीदने की इच्छा थी, तो वो अभी मेरे कलेक्शन में अभी आ गया है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट माउथ ऑर्गन है। मैं कुछ दिन से इसे बहुत बजा रहा हूँ, बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है बजाने में। साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है। ये भी देखिए 12 होल्स का ये माउथ ऑर्गन है, स्लाइडर दबाने पर और 12 सेल्स खुल जाते हैं। 3 ऑक्टिव प्रेजेंट हैं, लोअर ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव, हायर ऑक्टिव, कंप्लीट हारमोनिका है। इसका प्राइस है अराउंड 12,000 to 13,000 के आसपास इसका प्राइस है। ठीक है, इसका आवाज़ आपको सुना देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा साउंड है इसका, एयर टाइटनेस बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ फेवरेट माउथ ऑर्गन था। अब आपको मैं अपना फिफ्थ फेवरेट माउथ ऑर्गन दिखाता हूँ जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। वह है इस टॉप कंपनी का ये ड्रीम किंग। ठीक है, ये भी 12 होल्स का माउथ ऑर्गन है, स्लाइडर है, 3 ऑक्टेव प्रेजेंट है, कंप्लीट हारमोनिका है। प्राइस है अराउंड 5,000 to 6,000 इसके बीच में इसका प्राइस है। ठीक है, ये चाइनीज़ मेड है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इस टॉप कंपनी का नया कंपनी है लेकिन बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन उन्होंने बनाया है। ठीक है, इसका आपको साउंड सुना दूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी बहुत माउथ ऑर्गन बहुत ही अच्छा है, 5,000 रेंज में ये बहुत ही अच्छी माउथ ऑर्गन है। इसके अलावा दो और माउथ ऑर्गन जो मेरा बहुत ही फेवरेट है फ्रेंड्स, आपको वो भी बता दूं। ये है इस टॉप कंपनी का ये ट्रेमोलो, ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये ट्रेमोलो एक ट्रेमोलो इफेक्ट जो आता है वो भी मुझे बहुत पसंद है। इस पर मैं आपको एक गाना सुना दूँ। ये अराउंड
1200 इसका प्राइस है, 1200 इसका दाम है। एक गाना मैं आप सुना दूँ, तो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये इस टॉप कंपनी का ये जो माउथ ऑर्गन है, बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है, ये आप इसको ख़रीद सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस अराउंड 1200 है, ठीक है। तो मैंने ये कुछ आपको अपने फेवरेट माउथ ऑर्गन बजाए बताए, कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।